की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चल, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने अपनी क्रूस की मृत्यु द्वारा श्राप के चिन्हों को महिमा का चिन्ह बनाया, यह कृपा दे कि हम अपने शरीर की बुरी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाए और आत्मसमर्पण में अनंत जीवन पाए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू भला गड़ेरिया है, ऐसी कृपा दे कि हमारे अधिकारी लोग अपने अधीन के लोगों को तेरे पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँचाए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू गरीब और नम्र बना, हमारा नम्र निवेदन है कि गरीबी और बीमारी से पीड़ित लोगों को और सत्य के प्रति दुख भोगने वाले लोगों को तू अपने महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का स्मरण दिलाकर उन्हें अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी करने में और विश्वास को सुरक्षित रखने में मदद कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू परमेश्वर के सामने हमारे लिए सनातन समर्पण है, ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पवित्र बलिदान में भक्ति भाव से सहभागी होए और पुनर्थित जीवन के दिव्य रहस्यों को हम योग्यता पूर्वक स्वीकार करें, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हरेक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों में अपनी दान की वर्षाप कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा, सबके प्रभु ईश्वर, हमारे पापों और अपराधों का मैल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया करें। हे प्रभु तू अपनी कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर इस माता कुमारी मरियम और धर्मी संत यूसुफ का स्मरण हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र के प्रेरित हो, एकलौते के बंधु, प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहे आमन आमन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो, साथ साथ उन विजयी भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजा दे राज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक इसी आशा से सो रहे हैं
कि तू अपने महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले उपास प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम मसीह उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है एक परमेश्वर श्रेष्ठा त्रिस्या त्रिस्यों का यह विश्वास हमारा है। अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दें। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्राथी श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष को तथा धर्माध्यक्ष को याचकों तथा उपयाचकों एवं ब्रह्मचारी व युक्तियों के लिए अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के हम प्रार्थना करें प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु मुझे आशीर्वाद दे भाइयों और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। हे प्रभु हमारे ईश्वर
तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। लोगों को शांति और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीहा का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को, सबके प्रभु वर ईश्वर को चढ़ा रहे गे यह बलिदान। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपने कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाए तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबिम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। प्रभु अवनीय
हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरदास से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में एक रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सोफा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी और आंखें मुठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उससे तोड़ा तदा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति वचन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। कि प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए है। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सकभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया, तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया, तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा अवर सर्वदा। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलेसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष रोम के परम गुरु स्वामी पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे कलेसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार राफेल तट्टिल के लिए,
हमारे वर्तमान महाधर्माधीश एलियास के लिए, धर्माधीश एफ्रेम तथा विजयानंद के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए याचकों समर्पितों और आम कृतीय प्रेषितों के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पितावों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित दिन सबों के लिए, तेरे नाम पर गम से विदा लेकर सिदारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन सब भक्तों के लिए, और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हो, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिष्यानुसार हमें शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पितावों का भी पावन स्मरण रहे, हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदाय सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माधीशों याचकों और उपयाचकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदाय चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवा अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुखों मृत्यु दफन और पुनरुद्धान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। बल तेरे भक्तों की बलि पर विराज और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, दया सागरे मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है, हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभुवर
तेरी सदा आराधना हो। एक जीवंतदा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले न कि मरते गए, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते गए, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्ति दाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर, हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर, हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर, हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर, आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्य को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रख सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और उस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में के, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथी यौम से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन।
को शांति और आपको भी। पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो, आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। हे प्रभु, तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई, शैतान को पराजित किया और सारी सृष्टि को नवजीवन दिया। तूने हमारे परिपोषण के लिए अपना शरीर रक्त भोजन के रूप में दिया। तेरी करुणा के योग्य कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे जीव अशक्त है। हमारे जीवन दादा प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा, आमीन। समस्त लोगों आइए, प्रभु के मरण और पुनरुत्थान के इन महान रहस्यों को प्रत्यक्षता पूर्वक ग्रहण करें।